नागपुर नगर पालिका चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के नागरिकों के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए नागपुर नगर पालिका के टाउन हॉल में लॉटरी का आयोजन किया गया। राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार बहुत ही पारदर्शी तरीके से आयोजित किया गया था। नगर पालिका चुनाव के इस मौके पर नगर पालिका चुनाव में रुचि रखने वाले प्रत्याशी, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नागपुर नगर पालिका में कुल 52 वार्ड है और इसमें 156 सीटें हैं। इन 156 सीटों में से 35 सीटें पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित की गई है और आज महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का आरक्षण हटा दिया गया है। नागपुर नगर पालिका की 156 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 16, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, पिछड़ा वर्ग के लिए 18 और सामान्य के लिए 38 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। आरक्षण का प्रपत्र 30 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा और आरक्षण के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव होने पर शनिवार 30 जुलाई से मंगलवार 2 अगस्त के बीच चुनाव कार्यालय या संबंधित वार्ड कार्यालय के दोपहर 3 बजे मुख्यालय पर नगर आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा। नागपुर महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022 च्या अनुषंगाने माननीय राज्य निवडणूक आयोगांच्या सूचनाप्रमाणे आज नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, सर्वसाधारण महिला यांच्यासाठी आरक्षण सोडतचा कार्यक्रम आज पार पडलेले। नागपूर महानगरपालिकेचा येणारी जे सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी एकूण 52 प्रभाग आहे, एकूण जागांची संख्या 156 आहे, त्यामध्ये 50% म्हणजे 78 जागा महिलांकरिता राखीव करण्यात आलेले। माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे नागरिकांचा मागास प्रवर्गांकरिता एकूण 156 पैकी 35 जागा आरक्षित करण्यात आलेले, त्यापैकी 18 जागा महिलांसाठी आहेत। आज यांचं सगळ्यांचं जे नागरिकांचा मागास प्रवर्गांचा प्रभाग, त्यामध्ये महिला आणि जनरल सर्वसाधारण महिला असे सगळ्याचं लॉटरी काढण्यात आलेली। माननीय राज्य आयोग निवडणूक आयोगांच्या सूचनाप्रमाणे ही संपूर्ण प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक पद्धतीने लाईव्ह टेलिकास्ट आणि सगळ्या प्रिंट प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियांचं समोर आपण केलेली होती आणि एकंदरीत याचा अंती 78 जागा आपण महिलांसाठी राखीव केलेली आहे आणि 78 पुरुष खुला ठेवण्यात आलेले। यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीकरिता आपण जो मागे केले होते त्याला मान्यता ठेवली असल्याकारणे त्याचं सोडून उर्वरित सर्वांसाठी आज प्रक्रिया पार पडली।